गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास में 4.3 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो विद बोरोइंग की एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2, 3, 4 किए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 में सब्ट्रैक्शन ऑफ 4-डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग। ठीक है, आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 33 और 34 है, जो कि आपकी एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट है, जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने कल बताया था कि अगर किसी डिजिट के अंदर दो डिजिट्स के बीच में फ्रॉम लग रहा होता है तो सेकंड प्लेस की डिजिट को पहले लेते हैं और फर्स्ट प्लेस की को बाद में। तो देखो, सब्ट्रैक्ट 3421 फ्रॉम 8663। इट मींस इसमें हम क्या करेंगे, 8663 को पहले लेंगे और इसके बाद 3421। अब ये विदाउट बोरोइंग है तो इसलिए इसके ऊपर हम वो भी लगा देते हैं, जिससे कि हमारे बोरो के टाइम पे तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है प्लेस वैल्यू फॉर्म। तो अब देखो, 3 में से 1 इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2, 6 में से 2, 4 एंड 6 में से 4, 2 एंड 8 में से 3, 5। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5242, यानी 5242। अब आपके नेक्स्ट पेज 34 पर हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 7754 एंड 5341। अब देखो, इस क्वेश्चन में फ्रॉम लग रहा था और इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, एंड। तो फ्रॉम लग रहा था तो सेकंड डिजिट मैंने फर्स्ट प्लेस पे ले ली थी, अब एंड लग रहा है तो जैसे ही हमारी डिजिट है हम उसी तरीके से लेंगे। तो 7754 5341, ठीक है, और इसके ऊपर प्लेस वैल्यू फॉर्म रख देते हैं। 4 में से 1 गए 3, 5 में से 4 गए 1, 7 में से 3 गए 4 एंड 7 में से 5 गए 2। तो हमारा रिजल्ट आ गया 2413। ये तो थे आपके एग्जांपल। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए है, यानी उसके अंदर ए से लेकर पार्ट एस तक दे रखे हैं, जिसमें इनसे मैं कई क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूंगा और बाकी आपको केवल अपनी बुक में ही सॉल्व करने हैं, नोटबुक में नहीं करने, ठीक है। देखो, 5 में से 1 गए 4, 3 में से 2 गए 1 एंड 8 में से 6 गए 2 एंड 7 में से 4 गए 3। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजिट इसको रीड कर लेते हैं। देखो, 7835 में से 4621 को हमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 3214। अब नेक्स्ट डिजिट है इसकी, ए को मैंने कर दिया है, ए के बाद आपको बी और सी आपको करना है, ठीक है। यह होमवर्क मैं आपका साथ के साथ लिखता चला जाता हूँ। क्वेश्चन बी और सी आपको करना है, इन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ ही बुक में फिल करते चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर का, 8767 में से 5324 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो, 7 में से 4 गए तो 3, 6 में से 2 गए तो 4, 7 में से 3 गए तो 4 एंड 8 में से 5 गए तो 3। देखो, यानी 8767 में से 5324 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 3443। अब डी के बाद ई और एफ आपको करने हैं, जी मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। 9284 में से 2012 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, 4 में से 2 गए तो 2, 8 में से 1 गया तो 7, 2 में से 0 जाएंगे तो 2 एंड 9 में से 2 जाएंगे तो 7, यानी 7272। अब जी के बाद एफ, एच और आई आपको करने हैं, जे मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। डिजिट क्या है, 2649 को 1402 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो, 9 में से 2 गए तो 7, 4 में से 0 गए तो 4, 6 में से 4 गए तो 2 एंड 2 में से 1 गया तो 1। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 1247। अब जे के बाद के और एल आपको सॉल्व करने हैं, एम मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा। हमारी डिजिट है 7964 को 5222 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 में से 2 गए तो 2, 6 में से 2 गए तो 4, 9 में से 2 गए तो 7 एंड 7 में से 5 गए तो 2, इट मीन 2742। अब इसके एन और ओ आप करोगे,
पी मैं आपके साथ कर रहा हूँ, फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी थ्री को में से 3333 को माइनस करना है। तो रिजल्ट देखो, थ्री में से थ्री ज़ीरो, सिक्स में से थ्री थ्री, अगेन सिक्स में से थ्री थ्री एंड फाइव में से थ्री टू। तो हमारा रिजल्ट क्या है, 2330। अब पी के बाद क्यू आपको करना है, आर और एस में आपके साथ सॉल्व करा रहा हूँ। देखो 8672 में से 2560 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 में से 0 गए 2, 7 में 6 गए 1, 6 में से 5 गए 1 एंड 8 में से 2 गए 6। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 6112। एंड नेक्स्ट डिजिट लास्ट जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एस, 8914 में से 3302 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 में से 2 गए तो 2, 1 यहाँ 0 में से गए तो 1, 9 में से 3 गए तो 6 एंड 8 में से 3 गए तो 5। इट मीन्स रिजल्ट क्या आया, 5612। तो आज आपके साथ मैंने क्लास में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और 11 क्वेश्चन आपको घर में सॉल्व करने हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन बुक में सॉल्व करने हैं, नोटबुक में नहीं करने। और बुक में आप सब इनको पेंसिल से करोगे, अगर कहीं बाय मिस्टेक से आपसे गलती होती है, वैसे तो विदाउट बोरो हैं, ईजी क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको उनको करेक्ट करा सकूँ। फिर भी इनको कोशिश इस तरीके से करना कि सभी क्वेश्चन आपसे करेक्ट हों, क्योंकि इनमें कोई बोरो की पोजीशन तो है नहीं कि हमने बोरो लेना भूल गए, बोरो हम गलत हो गया। तो इसलिए हर डिजिट को रीड करके, जैसे ये पहली डिजिट है इसको रीड करना है, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पूरी डिजिट को रीड करना, जिससे कि रीड करने की प्रैक्टिस होगी। और फिर रिजल्ट को रीड करना जैसे मैंने आपके साथ किया था, जैसे किसी भी एग्जांपल को देखो, मैं एक रूप में आपके सामने एक बार बताता हूँ। जैसे ही आप डिजिट लिखोगे तो पहले ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली रीड करोगे, 8672 में से 2560 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आया, 6112। इस तरीके से हर क्वेश्चन को आपको रीड करना है, जिससे आप डिजिट को भी रीड करना सीख जाओगे और आपका सब्ट्रैक्शन भी आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो आज इन सब जो ये क्वेश्चंस मैंने अभी कराए क्लास में, अभी मेरे साथ ही आपने बुक में कर लिया होगा, और बाकी को आप अपने आप सॉल्व करना, यही आपका एसडब्ल्यू है। थैंक यू।